that a raised to m divided by a raised to n can be written as a raised to m upon a raised to n. ये तो तुझे पता ही है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, एग्जाम्पल. बट आई एम नॉट डन येट, आई एम जस्ट टेल. सो दिस कैन बी डन एज ए रेज टू एम माइनस एन. दिस इज अ रियल मीनिंग. बोले तो, बोले तो, बोले तो इट मीन्स दैट 5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to 1 कैन बी रिटन एज 5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to 1. दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज 5 raised to 3 माइनस 1. ये 1 ऊपर गया, माइनस 1 आया 5 raised to 2. ये तभी आएगा, ये तभी आएगा. दिस विल कम इन टू पिक्चर ओनली वेन द बेसिस आर सेम. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 raised to 3 एंड 2 raised to 1 इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग. दैट इज यू कैन सी यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है. बेसिस क्या होने चाहिए? सेम. बेसिस सेम होने चाहिए तभी होगा. एम आई राइट? तो इसका नहीं होता है, ये फर्स्ट थिंग. अभी मैंने एक बार रूल सिखाया है तो भी मैं दोबारा सिखाता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने रूल सिखाया है तो भी मैं दोबारा सिखाता हूं, क्योंकि इसमें अभी भी बच्चों का स्ट्रगल है. लाइक व्हाट? 5/3 डिवाइडेड बाय 10/6. अभी बच्चे को ये रूल है, ये रूल है 1 2 3 4 वाला रूल. 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4. हमेशा याद रख, 1/2 3/4 में 1 और 4 ऊपर आता है, 2 और 3 नीचे आता है. ये कंपलसरी है, ये बेसिक फ्रैक्शन रूल्स फॉर डिवीजन, बेसिक फ्रैक्शन रूल्स फॉर डिवीजन. नाउ इफ आई डू हियर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सो यू नो 1 and 4 विल मल्टीप्लाई ऑलवेज. 1 and 4, 5 into 6. सर वाई आर यू टीचिंग दिस नाउ? नेक्स्ट प्रॉब्लम्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस. इसी के ऊपर अब मैं सारे प्रॉब्लम्स करने वाला हूं. दैट इज द रीजन आई एम टीचिंग दिस. ओके, सो 5 into 6 एंड नीचे के, इसका नीचे का, इसका ऊपर का, इसका नीचे का और इसका ऊपर का, 10 into 3. यू कैन सी 2 and 3, 2 and 3, 3 and 10, 3 and 10, 1 and 4, 5 and 6, 1 and 4, 3 1s are, 3 2s are, 5 1s are, 5 2s are. वाह वाह वाह. 2 1s are, 2 1s are. आंसर इज 1. एम आई राइट? दिस इज 1 सैंपल एंड दिस इज 1 रूल, दिस इज 1 मोर रूल. ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम नॉट डन येट, 1 मिनट, आई गिव टाइम टू कॉपी. डोंट वरी अबाउट कॉपिंग, आई विल वेट ऑल्सो. प्लस फर्स्ट अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट करेक्ट. सी हियर, सपोज आई राइट m raised to m minus n, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहता हूं, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहता हूं, 1 upon, सिंपल है, जो भी पावर का साइन है उसको उल्टा कर. रिपीट फॉर द सेकेंड टाइम, जो भी पावर का साइन है उसको उल्टा कर. अगर तू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जा रहा है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जा रहा है, जस्ट चेंज द पावर का साइन. ये m पॉजिटिव है, ये m नेगेटिव हो जाएगा. ये n नेगेटिव है तो n पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब क्या बोथ मीन्स सेम? गारंटी बोथ मीन्स सेम. ओनली गारंटी बोथ मीन्स सेम. ओनली डिफरेंस इज, ओनली डिफरेंस इज, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है. फर्क कुछ नहीं पड़ता. बेसिक रूल क्या है? रूल ये है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर गया तो साइन चेंज कर, पावर का साइन चेंज कर, नंबर का मत करना. मैंने देखा है लास्ट ईयर, 5 -5 raised to 3/-2, 1 by +5 raised to 3/2, मैथ्स का मर्डर हो गया. ये बच्चा गधा क्या करता है पता है? नंबर को पॉजिटिव बनाता है. इडियट,
ऊपर नीचे नंबर को नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाता है, पावर को पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। ये रॉन्ग है, ये मर्डर है, ये मैथ्स का मर्डर है। रूल्स गया सबको, डन, क्लियर है? ओके, नाउ यू मे आस्क डाउट एंड नाउ यू मे कॉपी प्रॉपरली। यस, सो फर्स्ट प्रॉब्लम आई जस्ट राइट, 3/5 raised to 3 divided by 3/5 raised to 5. What is the final answer in the lowest form? So first one, 3/5 raised to 3 divided by 3 times, no? Just longer time doing. Then I'll do shortcut. 3/5, 3/5, 3/5 divided. 3/5 5 times 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3 bar 3 bar 1 What is left? 1/3/5 3 3s are 9 divided by 5 5s are 25 Now what will come? 1/9/25 Can I shift further? Can I shift further? Yes or no? Yes. I just, then why did I teach the rule 1, 2, 3, 4 if I cannot shift? 1/1, 9/2. 1/1. 1 means 1 by 1 only. 9 by 25. Okay, how to solve? This 25 will go up because this is 4. This is 4. This is 3. This is 1. 2 is absent. 2 is absent in the according to the rule. I hope you understood. 1/2, 3/4 rule. I'm teaching now how so many times. Last time sir sikara hai wahi. You can clearly see. 1 is there. 2 is absent. Yaha pe 3 is 9. 4 is 25. And you know the rules. 1 × 4, 2 × 3. So 25 goes up. 25/9 is the answer. Cancel it. Cancel it. 25 is 5 ka square. 9 is 3 ka square. It is one and the same, na? 25 is 5 ka square. 9 is 3 ka square. So you can write last mein. 5/3 का स्क्वायर। सर अगर क्यूब के ऊपर है तो सॉल्व करना क्या? करना है। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन व्हाट दे आस्क एंड डिपेंड ऑन योर स्कूल टीचर व्हाट दे डू। एनीवेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर। प्लीज 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 पूरा प्रॉब्लम इसी के ऊपर टिका है। रूल्स 1/2, 3/4 वन फर्स्ट एंड लास्ट विल कम न्यूमरेटर, रिमेनिंग टू विल कम हियर। Am I right? Okay. Anybody would like to ask doubt? Come on. Solve this. -4/3 raised to 2 divided by -4/3 raised to 5. You can do directly also. You can do systematically also. Okay, I just expanded and I wrote the values. Just take care. Some teachers, they will be okay with this also. Some teachers will say, shift this 3 upper. I shifted this 3 upper. It is a matter of choice. Sir, but if we do direct, we'll get that last one.
वी डू डायरेक्ट विल गेट द लास्ट वन. ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर हाउ दे टेक, डज नॉट मैटर मच. चलो डिस्कशन कंटिन्यूज आगे. We have one more rule. What is that rule? You know, I'll just help you. Law. A raised to m bracket n can be written as a raised to m into n. Example. A raised to 5 bracket 3. A raised to 5 into 3. A raised to 15. So similarly, I will increase the level. Similarly, I will increase the level. You tell me. Minus 3 bracket 3 bracket 2. Iska answer kya hai? Answer, you tell me the answer. Minus 3 raised to 6. Minus 3 raised to 6. But this negative for even. Negative number with even power will give me positive number. Am I right? Similarly, वही है सब कुछ, क्या बड़ा नहीं है. But it will be fun now. We'll do one more. 8/11 bracket 5 bracket 3 8/11 bracket raised to 15. यही है बुक्स में, तो मैं अभी ज्यादा और क्या दू. Nothing much I can give. Everything is the same. Give answer in exponential form. This answer is in exponential form. They ask this and they are telling give answer in exponential form. This is exponential. Exponential मतलब having power. Okay, one or two here there I will take now. Sir, exponential 8 raised to 15 and 11 raised to 15 करने का नहीं चलता है ना. It is one and the same now. That see for me always what was important is concept. Somebody will tell me, sir, इसका घर तोड़ो. ठीक है, घर तोड़ा. घर तोड़ा मतलब writing out individually. Writing individual. That is called घर तोड़ना. That is okay बच्चा. See for me what is important. कॉन्सेप्ट गया कि नहीं. वी डोंट वॉन्ट कॉन्सेप्चुअल डाउट, वी वॉन्ट कॉन्सेप्ट टू बी एकदम क्लियर. सी वन प्रॉब्लम वी विल टेक वन मोर. सी 3 रेज टू 8. नाउ व्हाट विल यू डू आंसर? 3 रेज टू 6 माइनस 8. क्या लिखो फाइनल आंसर बोलो. 3 raised to 6 divided by 3 raised to 8. So you keep this as it is. Always I told you, bring chota power to bada power. This you dimag me clear kar de. Second time repeat, bring chota power to bada power. So chota power is 6, ulta likha, sorry. Bada power is 8, chota power will come down, minus 6. You get 1/3 raised to 2. Gaya. Now I want you to do one sum. Do. I want you to write it. Come on. Speak now. So I will do. Write this minus 3. Nothing is there matlab 1. Please understand. Nothing is there matlab 1. That is why I took the problem. And minus 3 raised to 6. So 1 upon minus 3 raised to 6 minus 1. A1 idhar gaya. So it is 1 upon minus 3 raised to 5. Chalta hai na? Nahi cut hoga. Nahi cut hoga. Nahi chalta. Nahi cut hoga. Kyun nahi cut hoga? हाँ, क्योंकि ये पावर के साथ है.
एक बच्चा मिस्टेक कर रहा है, ओके सर माइनस माइनस कट होगा, मर्डर होगा, नहीं चलने वाला, गुड, समझ में, आंसर करेक्ट, ओके सो आई विल गो विद द नेक्स्ट वन, नाउ थोड़ा सा आई विल इंक्रीज द लेवल, ओके होल्ड ऑन वन मिनट, वी आर कंटिन्यूइंग दैट डिस्कशन कंटिन्यूज अगेन, दिस इज गोइंग टू बी स्टिल मोर बेटर नाउ, लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल इंक्रीज, डायरेक्टली बोल सकता है, सिंपल मैं बताता हूँ डायरेक्टली, ये फोर है, ये थ्री है, one. तो बचा वन है, बचा वन ना, डायरेक्ट है, मैं सोच रहा हूँ इसको अब छोड़ ही देते हैं, अब नया लेते हैं, अब ये तो आ ही गया सबको, विल टेक अ न्यू वन, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टी, ये नया है, नाउ इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ पी, determine value of t, okay, yes here, I will explain first sample, minus 1 raised to 7 multiplied by minus 1 raised to 9 is equal to minus 1 raised to p, tell me how to do, it's okay, I will do, don't worry, 3 sums I will do, and then there are 10 sums here, थ्री सम्स आई विल डू देन आई विल पास ऑन टू यू, पास ऑन मतलब आई विल राइट, आई विल वेट, आई देन आई विल सॉल्व, बट प्रैक्टिस यू हैव टू डू, जस्ट सी हाउ, सी बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, सो कैन आई राइट माइनस वन सेवन प्लस नाइन एंड माइनस वन रेस्ट टू पी, कंपेयर नाइन प्लस सेवन इज सिक्सटीन, सो पी इज सिक्सटीन, हो गया, सो पी इज 16, करेक्ट ना, अलजेब्रा विद पावर्स, हाँ अलजेब्रा विद पावर्स, ठीक है करेक्ट ना, नीचे का बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, तो सिमिलरली नाउ यू टेल मी, यू ओनली विल टेल मी दिस, आई एम वेरी एक्साइटेड, यू शुड पार्टिसिपेट नाउ, डोंट बी साइलेंट इवन इफ यू आर रॉन्ग, प्लीज पार्टिसिपेट, दैट इज हाउ यू विल लर्न, 3 by 5 raised to 12 is equal to 3 by 5 raised to 3p. P is 5. 3 by 5. 12 plus 3, 15. यहाँ पे 3 by 5, यहाँ पे 3p आया. फाइनली क्या बचा, 15 इज इक्वल टू 3p, 3 1 3 5, पी इज इक्वल टू 5, करेक्ट, वन मोर वी विल डू, मैं भी देखूंगा, 5 raised to 3 bracket 7 इज इक्वल टू 5 raised to 3p, डू, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक एनीथिंग, डू डू नॉट नो, आई वॉन्ट अदर्स टू ट्राई, डोंट डू पब्लिक एनीथिंग, 6 raised to 5 bracket 7 इज इक्वल टू 6 raised to p-3, नेक्स्ट आई राइट स्टिल डाउन, -8 bracket 2 bracket 4 इज इक्वल टू -8 bracket 2p, do peacefully, do everything, do all the problems, we will wait, we will give time, but please speak, news chote film bola na, mai bola isko, okay chalo, 5 7 5 7 3 is 21,
is 5 raised to 3p. So 21 is equal to 3p. 3 ones are 3 sevens are 7 5s are 35. I'll rub this part now. I don't need this baju wala. We are still struggling with determine the value of p. We are still doing that. Okay, 7 5 is 6 raised to 35 is equal to 6 raised to p minus 3. So bases are same, powers are equal. 35 is equal to p minus 3. 35 plus 3 is p. 38 is p. 4 2s are 8. Minus 8. 4 2s are 8. Minus 8. 2p. So 8 is equal to 2p. 1s are 4s are. So p is 4. Okay. Clear to you all? They have given p. They can give any alphabet, brother. They have given p as one alphabet. They can give any alphabet of their choice. Chalo. Now 3 by 2, sorry, 3 by 7 bracket. वही वही हो रहा है. मैं थोड़ा चेंज करेगा. देखो, इट इज रिपीटिंग. विल टेक समथिंग न्यू. या माइनस टू रेस टू 13 डिवाइडेड बाय माइनस टू रेस टू 11 इज इक्वल टू माइनस टू रेस टू 2p. नेक्स्ट 91p वा 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 डिवाइडेड बाय 9156 is equal to 9144. This is good. And last one, still more. And the last one, and always sir will start. The last one sir will always solve. Because those are difficult one. Hattargi. One, two, three, four, five. comma divided by 2 raised 10 raised to 2 raised to 2 is equal to 10 raised to p. मजा आ रहा है. अब करो. टाइम देगा सर. अब करो. सब शांति से करो. नो हरी शांति से करो. चलो. सो वी विल गो विद देयर. जगह नहीं है इसमें रब करके फिर इधर लिख. मैं तो इधर करता हूं. माइनस टू रेस टू 13 डिवाइडेड बाय माइनस टू रेस टू 11 इज इक्वल टू माइनस टू रेस टू 2p. सो माइनस टू रेस टू 13 में से 11 गया. यहां पे माइनस टू रेस टू 2p. सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 13 माइनस 11 इज 2. हियर यू गेट 2p. 2 cut, p1 you get. Come to this. So 91p divided by 9156 is equal to 9144. This will go up. So you get p minus 56. 56 will go up and become minus 56. And here you get 44 you get. I am writing only the power. I am writing only the power. Shift this side. 100. You get P is equal to 100. 100. Am I right? Chalta. 1, 2, 3, 4, 5. 10 raised to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 into 2? 4. 10 divided. 10 raised to 4 is equal to 10 raised to p. So 10 raised to 5 minus 4 1. Is 10 raised to p. So 10 raised to 1 is 10 raised to p. P is 1. Done? All okay? Yes.
परफेक्ट ग्रिप सर 10 रेज टू 5 नहीं होता ना, 10 रेज टू 4 होता है क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 नहीं 1 0 जाता है क्योंकि 10 का है ना मर्डर ऐसा है तो 10 रेज टू 1 है वो 1 1 है 1 का ओके गुड डोंट कीप एनी डाउट मन में ओके नोबडी शुड गिव एनी डाउट बिंदास पूछा मैं ना नहीं बोलूंगा ये मेरी गारंटी ना बोला कभी तो तेरे को ओके जूते खाएगा खाना खाता हूँ टाइम देख रहा है ना है टाइम देखने के लिए इधर आते हैं पढ़ने आते हैं यही तो मैं बोला एटीट्यूड इज अ प्रॉब्लम यही एटीट्यूड क्या एटीट्यूड चोर चोर एटीट्यूड जबरदस्ती पढ़ाई करना पुश कर रहे एटीट्यूड हो सर और दो और करेंगे सर दो और करेंगे टाइम का ध्यान ही नहीं सर बस रुकाओ ऐसा वो भूखा शेर दे आ लिखाऊंगा और ऐसा भूखा शेर जैसा तू रहना चाहिए दो और सर मैं करूंगा दो और मैं करूंगा ओके चलो डिस्कशन कंटिन्यूज आगे विल हैव टिल 4:30 सम मोर टाइम विल हैव 10 मिनट्स 15 मिनट्स मोर एंड देन विल वाइंड इट ऑफ देन टुमारो विल डू नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बेसिस सेम ही हुआ तो आगे डिस्कशन ही नहीं होता है हाँ बेसिस सेम नहीं हुआ तो आगे डिस्कशन ही नहीं करने का उधर ही डिस्कशन खत्म बताता किधर चलो डू दिस 1/4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 ब्रैकेट 5 नेक्स्ट -3/2 डोंट वेट फॉर सर स्टार्ट डूइंग is equal divided by -6/2/3 don't wait for sir 3:9 multiplied by 1/3:18 next ठीक है ना सब सिंपल है करो इतना करो जगह नहीं है I'll wait you solve come on Okay. I will continue. 1/4. 3 2s are 6. Multiplied by 1/4, 5. Bases are same. Powers are added. 1/4:11. Next. -6. 3 2s are 6. Divided by -6. 3 2s are 6. Hare? Answer is 1. Don't want. Let me explain first. Don't want. People commit mistake. I will do this. -6/(6) divided by -6/(6). So you write -6/(6-6). Zero. Then you write -6/(0). Bacha gadha kya karta hai pata hai? 1. 0 dalta hai. Hey, 1 na. Nahi, bacha. Hatti giri thodi bola. बच्चा बोला ना बच्चा गधा बच्चा तू कौन सा कैटेगरी में तू बच्चा नहीं ना तू रौनक ना -6/0 एनी अल्फाबेट रेस टू जीरो एनी नंबर रेस टू जीरो वन अल्फाबेट नंबर रेस टू जीरो इज वन अल्फाबेट अल्फाबेट रेस टू जीरो नंबर रेस टू जीरो एवरी एनीथिंग रेस टू जीरो नॉट एनी हाँ ठीक है Anything raised to zero is? One. Ronak raised to zero? Zero. One. alphabet hai na? Ronak alphabet hai. R raised to zero. Theek. Okay. Fine. Done. Clear till here. Sorry sir. Last one I forgot. I didn't see. So, you write here 3/9 divided by 3/18.
वन इंटू एनीथिंग इज नंबर इट्सेल्फ करेक्ट. सो 1/3 raised to 18 minus 9 1/3 raised to 9 करेक्ट. लास्ट वन मोर थिंग दे आर गिवन हियर आई टेक दैट ऑल्सो. ओके 6 raised to 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 raised to 18 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 raised to 30 जस्ट ओरली. मेरे को क्या मालूम. 37 -6 raised to 5 गलती से बोला 6 raised to 37 बाय 6 raised to 30 6 raised to 37 minus 30 6 raised to 7 हुआ परफेक्ट. अभी पावर का जीवन में पावर का कभी आगे से त्रास नहीं लेगा. हुआ ना इतना त्रास लिया पक्का ना डुबाएगा नहीं ना मेरे को. एग्जाम में झंडा काट के आएगा ना. झंडा काटना मतलब रैंक लाना मतलब सक्सेस. वो लक्ष्य पिक्चर झंडा काट देना लास्ट में. अच्छे पिक्चर देखते हुए तुम घटिया देखते हो. वही घटिया पिक्चर देखते अच्छे पिक्चर देखो बहुत गुड मूवीज ना. चलो ये ओके है. नाउ आई हैव नॉट डिस्कस्ड नेगेटिव पावर्स. सो ऑल एवरीवेयर दे आर टेलिंग एक्सप्रेसिंग नेगेटिव्स और दे विल गिव नेगेटिव पावर्स ओनली. ओके मतलब क्या नहीं 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 बच्चा देखिए 3 raised to -m -n माइनस वही ऐसा वाला. नहीं नहीं मैं बताऊंगा ना ऐसा नहीं सिखाया ना. नेगेटिव पावर नहीं सिखाया. तो नेक्स्ट इधर नेगेटिव पावर है उसके बाद एक्सपोनेंट्स है. वो साइंटिफिक वाला वो हमने किया था ना टक 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 डेसिमल शिफ्ट वो तो स्टार्टिंग में हुआ है ना. हाँ पॉइंट शिफ्टिंग वो हमने किया है. एग्जाम में आया करेक्ट ब्रदर. सो दैट इज लेफ्ट. ओके मे बी वी कैन होल्ड फॉर टुडे. कौन सा बुक है इनका सब एक ही ना. 7, 8 इनका ज्यादा है. किसका ज्यादा है वो उठाएगा. तुम्हारा कहते ज्यादा तो उनका छोड़ के तुम्हारा लेगा. उनका जो तो ज्यादा बट ज्यादा करेगा. प्रैक्टिस डन. ओके देन वी विल रैप इट अप फॉर टुडे. ओके दैट्स इट फ्रॉम माइंड फॉर टुडे.